My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट, और इसका जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टीवीसी पढ़ने वाले हैं आज। व्हाट डू यू मीन बाय टीवीसी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ आउटपुट। जी हाँ बेटा, ये वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है एज पर द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट का लेवल चेंज होता रहता है, ये कॉस्ट भी अलग अलग होती रहती है, बदलती रहती है। अगर आउटपुट का लेवल जीरो है तो ये कॉस्ट जीरो होती है। अगर आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हो जाती है। आउटपुट का लेवल घटता है तो ये घट जाती है। इट मीन्स ये वो कॉस्ट है जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चलती रहती है, बदलती रहती है। जी मेरे बच्चों, अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं तो रॉ मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने शर्ट्स बनानी है, तो अगर 10 शर्ट्स बनानी है तो 10 शर्ट के जितना ही कपड़ा हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें से 10 शर्ट बन जाए। लेकिन अगर इनका प्रोडक्शन 10 शर्ट्स की बजाय 100 शर्ट कर दिया जाए, 100 शर्ट्स बनानी पड़े, तो 100 शर्ट्स का ही रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा। और अगर 10 से कम बनानी है तो 10 से कम का मटेरियल हमें चाहिए होगा। और अगर कोई भी शर्ट नहीं बनानी तो बिल्कुल भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, कहना ये चाहता हूं, ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के लेवल पे डिपेंड करती है। आउटपुट का लेवल जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो है। आउटपुट का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, उतना और रॉ मटेरियल जरूरत होती है। जी हाँ, और आउटपुट का लेवल घटता जा रहा है तो ये घट जाएगा। इस रॉ मटेरियल के अलावा भी और वेरिएबल फैक्टर्स होती हैं, उन पर भी ये बात लागू हो सकती है। जैसे कि वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर की वेज होती है, ठीक है, अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। आउटपुट घटा देंगे, लेबर घट जाएगी, उसकी कॉस्ट घट जाएगी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जी हाँ, ज़्यादा माल ले जाना है तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स चाहिए, ज़्यादा बड़ा मीन्स चाहिए, कॉस्ट बढ़ेगी। कम ले जाना है, ठीक है, तो छोटी गाड़ी चाहिए, कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो वेरिएबल फैक्टर्स पर लगती है, वेरिएबल फैक्टर्स पर कॉस्ट लगता होती है प्रोडक्शन के, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे बच्चों, अब इसको समझे कैसे, इसको हम एक स्केड्यूल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये स्टूडेंट्स, जो स्केड्यूल लिया है मैंने इस चीज को समझाने के लिए, टीवीसी को समझाने के लिए, वो इस प्रकार से है। यहां मैंने पहले लिया है आउटपुट, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। और किस तरह का टीवीसी आएगा इसमें, कैसे वेरिएबल कॉस्ट आएगी? अगर हम कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते तो ये जीरो है। अगर हम वन लेवल का यूनिट, एक यूनिट बनाते हैं तो उस पर हमारे लगते हैं 30 मीटर, 30 मीटर कपड़ा लग जाता है। सपोज कीजिए हमें एक ऐसा तैयार करना है, जी हाँ, एक ऐसा टेंट समझ लीजिए, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें 30 मीटर कपड़ा लगता है। और अगर हम दूसरा बनाते हैं, एक की बजाय दो बनाते हैं, तो पिछले वाले में से हल्का फुल्का कपड़ा जो बचा हुआ होगा दूसरे में एडजस्ट हो सकता है, तो दूसरे में 30 की बजाय 60 ना लग करके यहाँ लग रहा है 50। आप तो जानते हैं, अगर आपको एक जैसी दो शर्टें सिलवानी हो तो जरूरी नहीं है कि एक शर्ट में जितना कपड़ा लगता है कि दूसरी शर्ट में उसके बराबर ही लगेगा। नहीं, पहले वाली शर्ट में जो कत्तर बची है, जो कपड़ा बचा है, वो दूसरी वाले में यूज हो जाता है। यहाँ पे ऐसा ही ट्रीट है कि अगर पहली गुड्स बननी है तो उसके लिए इनफ मात्रा में हमें जो है वो कपड़ा चाहिए, 30 मीटर चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट बनना है उसके लिए 60 नहीं चाहिए, 30 और नहीं चाहिए, बल्कि 50 चाहिए, 20 और चाहिए। इस तरह वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बड़ी तो जरूर है, 30 से 50 तो हुई है, लेकिन उतने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पिछले से बचा हुआ कपड़ा इसमें एडजस्ट हो सकता है, कुछ यहाँ यूज हो जाएगा, इसलिए रिक्वायरमेंट 60 ना रह करके 50 की गई है। ऐसे ही अगर तीसरा प्रोडक्ट भी इसी सेम तरह का बनाना है, जैसे कि तीसरा टेंट भी बनाना है और कपड़ा इन दो इसमें बचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता है, तो तीसरे के लिए अब हमारी यहाँ थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ी है, हमें चाहिए 60 मीटर कपड़ा, तब हम तीन प्रकार के प्रोडक्ट एक जैसे निकाल सकते हैं। कहते
कहने का मतलब ये है, जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू होना होता है ना, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो पिछले मटेरियल में से कुछ मटेरियल एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके एक लेवल है इसका भी एक। अब चौथा प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कितना चाहिए, 80, ठीक है। पांचवा प्रोडक्ट बनाना है तो कितना चाहिए, 115। छठा चाहिए कितना, 180। मतलब इस, अब कहने का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले यहाँ पे 20 इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे फिर 10 इंक्रीज हुआ, यहाँ फिर 20 इंक्रीज हुआ, यहाँ फिर 35 इंक्रीज हुआ, यहाँ हो गया अब आपका 65 इंक्रीज। कहना ये चाहता हूँ बच्चों, एक लेवल तक जो हमारी आउटपुट की, हाँ आउटपुट पर टीवीसी है, एक लेवल तक जो है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि इनिशियल से जो प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें जो है वो कपड़े की रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है। लेकिन अगर बहुत एक लेवल के बाद जो टीवीसी है वो बहुत हाइयर रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है मेरे बच्चों, तो इसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कोस्ट है जो एस शेप में ड्रॉ हो जाती है और उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये हमने कहा ही है आपको। अब जब हमारा आउटपुट जीरो है, यहाँ पर हमने क्या किया, ओ एस अक्ष पे हमने ले लिया इंडिपेंडेंट फैक्टर यानी कि आउटपुट, ठीक है, और ओ वाई पे हमने ले लिया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। मैंने 30, 60, 90, 120, 150, 180 का मार्का दे दिया है। अब जीरो जब हमारा आउटपुट है तो कॉस्ट भी हमारे जीरो है, जीरो से जीरो यहां से शुरू करें, एक है तो 30 है, देख लीजिएगा 30 पे निशान आया, ये रेज हो रही है, दो है तो 50 है, 60 से नीचे, ठीक है, दो है तो 50 है, तीन है तो 60 है, तीन है तो 60 है, तीन है तो 60 है, आना चाहिए था, चार है तो 80 है, चार है तो 80 है, पांच है तो 115, छह है तो 180। जी हाँ, ये अब इसको हम करेंगे तो ये एक एस की शेप की कॉस्ट आ रही है, ये हमारी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से अलग अलग थी, वेरी कर रही थी हर जगह, ठीक है। जब जीरो था तो जीरो थी, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हुआ तो ये इंक्रीज हो गया, एक लेवल के बाद तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो वाया फोन जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।